brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. और ये याद रखना, अगर किसी की भी कोई तकलीफ हो और आप सोचते हैं कि आप अकेले पड़ गए जिंदगी में, तो मेरे पास आ जाना। अगर मैं कोई भी मदद करने लायक हूँ तो मैं जरूर करूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के इस फैसले के बाद सांसद वरुण गांधी को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब तक वह क्षेत्र में बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आए, जबकि तमाम नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। पीलीभीत में नामांकन खत्म हो चुका है। पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। पिछले कई दिनों से वह इलाके में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत में जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे तो उनके मंच पर देखा गया कि एक जो वीडियो काफी वायरल है कि उनके मंच पर एक सेना के अधिकारी लड़खड़ा जाते हैं और फिर उन्हें गश्त लग जाती है, उसके बाद दूसरे अधिकारी उन्हें ले जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर जब योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में थे तो वरुण गांधी वहां क्यों नहीं थे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद वरुण गांधी नजर नहीं आए, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिर वरुण गांधी कहाँ हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए उनकी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद हैं मेनका गांधी के बयान पर गौर करना होगा। जब उनसे सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, हालांकि वो उनके वरुण गांधी मेनका गांधी के बेटे भी हैं, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि इस समय वरुण गांधी और उनकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह आराम कर रहे हैं। मैं बीजेपी में हूँ, दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, जो उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? अभी उनसे पूछे भी थे, आप मानता है उनकी? फिर भी आप उनसे पूछे, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है, आने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफी तेजी से, तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैं क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे? अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। पिछली बार भी आए थे और पार्टी कमान संभाले। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में। मैं ममेठी रायबरेली से एक सवाल पूछना चाहता हूं, टिकट कट गया है उनका और वो अपना भी चुनाव है और काफी लंबा समय है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे आगे वो चुनाव ट्रंप से कांग्रेस से लड़ सकते हैं ना? अभी केदारनाथ में राहुल जी और मुलाकात में थी, तो क्या कांग्रेस अगर उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाई की? मेनका गांधी ये भी कहती हैं कि उनसे पूछे गए वो क्या करना चाहते हैं, हम चुनाव के बाद इस पर विचार करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, अभी समय नहीं है। और इससे पहले वरुण गांधी ने बीते दिनों पीलीभीत के जनता के लिए एक भावुक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। उसके बाद उनके पत्र की भी खूब चर्चा हुई। उसके बाद दूसरी तरफ देखें तो मेनका गांधी जो बयान दी उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जिसको लेकर वरुण गांधी के खिलाफ मेनका गांधी व्यक्त नहीं कर पा रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव के बाद ही बताएंगे कि आखिर उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। देखने वाली बात दिलचस्प ये भी होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद ये वरुण गांधी को टिकट नहीं देने के मामले में कुछ खबर निकल कर आती है या फिर मेनका गांधी इस पर कोई नया बयान भी देती है कि आखिर वरुण गांधी को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा गया। फिलहाल आप देखते रहिए।